बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में शर्मगाह को देखना, ख्वाब में औरत का अपनी शर्मगाह को कटा हुआ ज़ख्मी देखना, ख्वाब में औरत का अपनी शर्मगाह की जगह मर्द का उज़्वे तनासुल लगा हुआ देखना, ख्वाब में मर्द का अपनी शर्मगाह को औरत जैसी देखना, ख्वाब में अपनी शर्मगाह से कोई चीज़ बाहर निकलते हुए देखना, ख्वाब में अपनी शर्मगाह से खून, पीप, बिल्ली, कुत्ता या कीड़ा या इस तरह सांप निकलते हुए देखना, ख्वाब में अपनी शर्मगाह को अपनी पीठ पीछे लगा हुआ देखना, ख्वाब में शर्मगाह को अपनी शर्मगाह को बदला हुआ देखना, ख्वाब में अपनी औरत की दो शर्मगाहें देखना, इसी के मुतालिक तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसकी शर्मगाह औरतों जैसी शर्मगाह है, मर्द देखता है, तो इस बात की ताबीर है कि वो मर्द जलील और आजिज होगा। और अगर देखे कि उसके साथ किसी ने जिमा किया है, तो इस बात की ताबीर है कि उस इंसान से उसकी हाजत पूरी होगी। अगर औरतें देखें कि उनकी एक शर्मगाह है, दलील है कि वो दो औरतें जिन्होंने देखा, जिस औरत ने देख, दो औरतों ने देखा कि हमारी एक ही शर्मगाह है, तो वो दोनों औरतें एक ही आदमी के निकाह में आएंगी। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह जो है लोहे या तांबे जैसी है या किसी धात की बनी हुई है, तो दलील है कि वो अपनी मुरादों को पूरा नहीं होने, उसकी मुरादें पूरी नहीं हो पाएंगी, उसकी मुरादें अधूरी हो जाएंगी। अगर औरत देखे कि उसकी अपनी शर्मगाह की बजाय मर्द का उज़्वे तनासुल है, अगर वो औरत हामिला है तो उसका बेटा पैदा होगा लेकिन ज़िंदा नहीं रहेगा, वफात पा जाएगा। और अगर वो हामिला नहीं है तो उसका लड़का वफात पा जाएगा। अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से मोती निकले हैं या इसी तरह कोई कीमती चीज़ निकली है, तो इस बात की ताबीर है कि उसके यहाँ किसी आलिम और नेक और पारसा जो फर्जंद है वो पैदा होगा। इसी तरह अगर कोई औरत देखे कि उसकी शर्मगाह कटी हुई है, तो इस बात की ताबीर है कि दुश्मन पर यह औरत फतह पाएगी, अपने मुखालिफ पर इसको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरतरी अता फरमाएंगे। अगर औरत देखे कि इसकी शर्मगाह से मछली निकली है, तो इस बात की ताबीर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको लड़की अता फरमाएंगे, इसकी बेटी पैदा होगी। अगर औरत की शर्मगाह से बिल्ली निकली है, तो इसके यहाँ चोर और डाकू लड़का पैदा होगा। अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से सांप निकला है, तो इस बात की ताबीर है कि उसके यहाँ लड़की पैदा होगी लेकिन वो नाबकार होगी और वो जलील लड़की होगी और माँ बाप के लिए जिल्लत और रसवाई का सबब बनेगी। अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से नर सांप निकला है, तो इस बात की ताबीर है कि उसके यहाँ जो लड़का पैदा होगा वो उसी औरत का दुश्मन होगा, उसी अपनी माँ का मुखालिफ होगा। अगर औरत देखे कि उसके शर्मगाह से बिच्छू निकला है, तो इसकी भी यही तवील है कि उसका लड़का होगा लेकिन दुश्मन होगा, इसका अपना मुखालिफ होगा। अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से कोई कीड़ा चींटी बाहर निकली है, तो इस बात की ताबीर है उसके यहाँ कोई कम हिम्मत लड़का पैदा होगा। अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से रोटी निकली है, तो इस बात की ताबीर है कि वो औरत, उसका घराना मुफलिस और तंग दस्त होगा। अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से यानी कोई तिल निकले हैं या ऐसी कोई चीज़ निकली है कि जिसकी पैदावार ज़मीन से कोई पैदावार वाली चीज़, तो इस बात की ताबीर है कि उसका शोहर उसको बहुत चाहता है। अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से खून निकला है और उसकी शर्मगाह से खून जो है वो तेज़ी के साथ निकल रहा है, तो इस बात की ताबीर है कि उसका खावंद उसके साथ हालत हैज में जिमा करेगा, हम बिस्तरी करेगा। अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से पीप निकली है, तो इस बात की ताबीर है कि उसके यहाँ ऐसा लड़का पैदा होगा जो बड़ा नेक पारसा होगा, सालिह फर्जंद होगा। अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से सियाह पानी निकला है, तो इसकी तावील अव्वल के ख़िलाफ़ है, ऐसा लड़का पैदा होगा नेक साले नहीं बल्कि बदकार होगा, नाबकार होगा। अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से यानी आग निकली है, आग और धुआं निकला है, तो इसके यहाँ ऐसा फर्जंद होगा जो बादशाहों की तरह होगा, बादशाहों जैसी उसकी ज़िंदगी होगी। अगर औरत देखे कि
उसकी शर्मगाह जो है वो ख़राब हो चुकी है, फटी हुई है, तो इस बात की ताबीर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मनफ़ियत दौलत अता फ़रमाएंगे, उसके रिस्क के अंदर इजाफ़ा फ़रमाएंगे। अगर ख्वाब के अंदर कोई औरत देखे कि उसकी शर्मगाह पर बहुत से बाल उगे हुए हैं, तो इस बात की ताबीर है कि वो अपने बेटे की वजह से, फ़र्जंद की वजह से नुकसान उठाएगी, बेइज्जत होगी और अंधोगीन होगी। अगर देखे कि उसकी शर्मगाह पर बाल नहीं हैं, तो इस बात की ताबीर है कि उस औरत को अल्लाह की तरफ से खुशी मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी। अगर देखे कि उसकी शर्मगाह ख़राब है, सूजी हुई है, तो इस बात की ताबीर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माल और दौलत अता फ़रमाएंगे। और इसी तरह अगर मर्द देखे कि उसकी औरत की शर्मगाह पीछे की तरफ है, तो इस बात की ताबीर है कि वो औरत किसी ऐसी चीज़ को पसंद करती है कि जिसमें हक तआला की रज़ा नहीं बल्कि हक तआला की तरफ से नाराज़गी है। आखिर में गुजारिश, जो हज़रात ख्वाबों की ताबीरें, वज़ाइफ, मसाइल पूछना चाहते हों, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, आप हज़रात कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।